देखिए, आज हम राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और ये पीछे जो है थाना बगड़, जिला झुंझुनू। यहाँ पर जो है लांबा गोठड़ा की एक खबर थी जो हमने आपको पहले भी दिखाई थी, और जो निहालावास की जो बेटी है वो लांबा गोठड़ा में, उनकी शादी हुई थी करीब 8 साल पहले, और उस बेटी को इनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसको जला के मार दिया गया। तो यहाँ पर जो हम जो थाना सदर है यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो उनके परिजन हैं वो भी मिलने के लिए आए हैं। तो पहले उनके परिजन हैं, किस तरह से क्या बातें हुई, SHO ने क्या बताया? तो सर, क्या लगते हैं आप, लड़की तो मैं लड़की का चाचा लगता हूँ जी। SHO साहब ने कुछ कार्रवाई करी है जी आपकी बेटी के लिए? कुछ हाँ बोला है ना क्या कार्रवाई के लिए। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब तो बयान लिए हैं सर। तो आपके बयान दर्ज करवाए हाँ गए हैं, बयान दर्ज करवाए गए हैं। तो क्या मतलब मांग करी है आपने उसमें? हमने तो प्रशासन यही मांग के न्याय किया जाए, लड़की को जला के मार दिया। अच्छा, आपकी बेटी को जला के मारा हाँ है, हाँ तो मैं आप मौके चाचा लगते हैं हाँ लड़की चाचा के? मैं मौके पे गया था वहाँ लांबा गोठड़ा, और देखा चौबारा में बहुत बुरा हाल है। तो आप क्या लगते हैं सर? मैं तो उनका पड़ोसी हूँ अच्छा, जी। पड़ोसी लगते हैं, हाँ तो आप जी भी यहाँ पर आए हैं, मैं भी आया तो हूँ। आपका भी कुछ बयान व्यान लिया गया है? हाँ मेरा बयान लिया है, जिन्होंने कहा कि मैं मौके का गवाह बनाएंगे आपको, आप वहाँ चल के देखो, इन्वेस्टिगेशन के आपको गवाह बनाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन का गवाह मुझे बनाया है। मतलब क्या लग रहा है कि भाई पुलिस सही तरीके से काम हाँ कर रही बढ़िया है, तरीके से काम कर रहे हैं जी, पूरा हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं। मतलब न्याय मिलना चाहिए बेटी के न्याय परिवार मिलना को, चाहिए जी, जो न्याय मांग रहे हैं। दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। आप भाई क्या लगते हो लड़की? बड़ा भाई बड़ा भाई, तो आपका भी बयान दर्ज हुआ है, हाँ किस तरह से क्या रहा है? पता कर रहे थे कि कैसे जड़ी क्या गया कि मैंने बता दिया है उसको, लड़ा के मारा है, हमें इंसाफ दिलाओ जी। तो ये लांबा गोठड़ा में जो आपकी बहन की शादी हुई थी, जी 8 साल के करीब हो गए? 8 साल 2015 में अच्छा, तो मतलब आपकी बहन के साथ जैसे आप वहाँ जयपुर में भी रहे हैं, नहीं, मैं नहीं आप था, नहीं थे, तो नहीं कोई छोटा भाई था। आपके परिवार से कोई राय है, हाँ कौन छोटा कौन थे? छोटा भाई था, मेरी मम्मी थी। अच्छा, तो उसको बताया था कि भाई किस तरह से जैसे आपकी बहन को जला के मार दिया गया? वो तो कह रहे हैं कि बैटरी से लगी, लेकिन बैटरी से नहीं लगी, पता चला कि वो तेल पेट्रोल से जड़ा। पेट्रोल डाल के मारा गया, तो हाँ ऐसा आरोप है आपका। हाँ जी देखिए, ये निहालावास के लोग हैं, और आज जो है यहाँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जो ये बगड़ थाना है यहाँ पर आए हैं, और इनका एक आरोप है कि भी इनकी जो परिवार की जो बेटी बहन है उसको पेट्रोल डाल करके जला के मारा है। तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है वो आगे देखते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलती हैं कि भी कोई भी घर में इस तरह का मैटर हो जाता है या कोई भी बात हो जाती है तो कहीं ना कहीं बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, और बेटियों को मौत के घाट जैसे उतारने की काफ़ी घटनाएं सामने आती हैं। तो इसमें क्या निकल के आता है, क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, पुलिस जांच में जुटी हुई है, तो आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइन उसके साथ। नमस्कार।